दोस्तों आपकी वीडियो पर व्यूज़ के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, जो भी प्रोसेस है, जो भी मतलब सिस्टम है, जो भी ट्रिक्स है, जो भी टिप्स है, सारा कुछ एक एक करके आपने अप्लाई करके देख लिया। उसके बाद दोस्तों आपके वीडियो पर अगर व्यूज़ नहीं आते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पहले से एंड तक देखना है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप एक न्यू क्रिएटर से तो आपके लिए इस वीडियो की हर एक सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को पहले से एंड तक देखना है, क्योंकि दोस्तों हर एक क्रिएटर्स के माइंड में ये सोच होता है कि फर्स्ट टाइम वीडियो पर व्यूज़ कैसे लाना है। दोस्तों देखिए, फर्स्ट टाइम व्यूज़ लाने के लिए दोस्तों थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना होता है और उसके बाद दोस्तों आप 100% आपके वीडियो पर आप व्यूज़ ला सकते हो। दोस्तों देखिए, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन दोस्तों जो सच बात होता है ये कभी भी नहीं बताते हैं छोटे यूट्यूबर को, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को लगता है कि आप एक दिन यूट्यूबर बन जाओगे। जो सच बात होता है ये कभी भी नहीं बताते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर कैसे व्यूज़ लाना है कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों के सामने मैं बताने वाला हूं। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं मेरा जो शर्ट है, शर्ट के बाहर तक आ चुका है, पसीना निकल रहा है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक यूट्यूबर बनने के लिए कितना मुश्किल होता है, कितना मेहनत करना होता है। दोस्तों एक यूट्यूबर बनने के लिए खाड़ी से खाड़ी मेहनत करना होता है, उसके बाद दोस्तों आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं। दोस्तों आपके मन में एक सवाल होता है कि भाई आप मेरी जैसी एक न्यू यूट्यूबर से, दोस्तों ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि दोस्तों मेरा और एक चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल से मेरा अर्निंग हो रहा है। और दोस्तों मुझे पता है कि एक चैनल कैसे ग्रो करना है और फर्स्ट टाइम वीडियो पर कैसे व्यूज लाना है। दोस्तों मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और मुझे भी पता है कि गरीबी का दर्द क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पसीना निकल रहा है, यानी कि दोस्तों मैं आपको दुखा देने के लिए नहीं आया हूँ। दोस्तों जो सोच है YouTube पर कैसे ग्रो करना है, एक नया चैनल कैसे आगे लेके जाना है, मैं जो रियलिटी होता है दोस्तों, मैं रियलिटी मेरे चैनल पर मैं बताने के लिए कोशिश करता हूँ। और दोस्तों अगर आप एक न्यू क्रिएटर से और आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हो तो भाई मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पहले से एंड तक देखना है। तो दोस्तों देखिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों देखिए, फर्स्ट टाइम वीडियो पर व्यूज़ लाने के लिए आपको क्या करना है। दोस्तों देखिए, मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप अगर एक न्यू क्रिएटर से तो डायरेक्टली बात नहीं करना है। दोस्तों देखिए, हर एक बात पर एग्जांपल सामने लेकर आना है, तो कैसे आप ला सकते हो। दोस्तों देखिए, अगर आप डायरेक्टली बात करते हो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर इसी तरह दोस्तों आप बात करना चाहता हूँ तो जो ऑडियंस आपके वीडियो पर क्लिक करेगा वो तुरंत आपके वीडियो जो है छोड़ के चले जाएंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप हर एक बात पर एग्जांपल जो होता है प्रैक्टिकली आप नहीं दिखाएंगे तो ऑडियंस वहीं पर छोड़ के चले जाएंगे। तो दोस्तों आप प्रैक्टिकली कैसे दिखा सकते हैं। दोस्तों देखिए, गूगल पर काफ़ी फ्री वेबसाइट है और वेबसाइट से दोस्तों आपको वीडियो फुटेज डाउनलोड करना है और आपके वीडियो पर आप ऐड करना है, यानी कि सेट करना है। दोस्तों आप काफ़ी ऐसे वीडियो देखते होंगे कि हर एक बातों में वीडियो फुटेज इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दोस्तों ऑडियंस अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आपके वीडियो पर आप वीडियो फुटेज सेट करना होता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप डायरेक्टली बात करना चाहते हो तो और आप एक न्यू क्रिएटर से तो आपको क्या होता है कि ऑडियंस आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, क्योंकि आप एक न्यू क्रिएटर से। इसलिए दोस्तों अगर आपके वीडियो पर ऑडियंस लॉन्ग टाइम रखना चाहते हो तो आपके वीडियो पर आप वीडियो फुटेज सेट करना होता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, आप एक बार सिर्फ अप्लाई करके देख लेना है आपके वीडियो पर, उसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ऑडियंस जब आपके वीडियो पूरा वॉच करता है तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ऑडियंस रिटेंशन जो है इंक्रीज होता है। और जब ऑडियंस रिटेंशन इंक्रीज होता है तो उसके बाद दोस्तों यूट्यूब को पता चलता है कि आपकी जो वीडियो है, वीडियो ऑडियंस ने ज़्यादा पसंद कर रहा है, और इसलिए दोस्तों जो वीडियो है, वीडियो की इम्प्रेशंस और ज़्यादा यूट्यूब ने भेजता है, यानी कि और ऑडियंस के सामने, नया नया ऑडियंस के सामने आपकी जो वीडियो है यूट्यूब ने नोटिफिकेशन देता है। और दोस्तों एक चीज़ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, दोस्तों देखिए, एक वीडियो अपलोड करने के बाद लगभग दोस्तों मान लीजिए 50% लोग अगर आपके वीडियो वॉच करता है ना, तो YouTube ने और ज़्यादा इम्प्रेशंस देता है इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों 50% से कम ऑडियंस आपके वीडियो वॉच करता है तो आपकी वीडियो वहीं पर रुक जाता है। तो दोस्तों आपकी वीडियो जो है आप कैसे पूरा वॉच कराएंगे। दोस्तों देखिए, पूरा वीडियो वॉच कराने के लिए आपके वीडियो पर आप वीडियो फुटेज ऐड करना होता है, यानी कि हर एक बातों में वीडियो फुटेज के थ्रू आप लोगों को समझाना है।
ये डायरेक्टली मैं कह दिया कि वीडियो फुटेज की माध्यम से ऑडियंस को आप समझाना है। दोस्तों अगर आप डायरेक्टली बात करके समझाना चाहते हो तो आप एक न्यू क्रिएटर से देखिए। दोस्तों ऑडियंस आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता है फर्स्ट टाइम। और दोस्तों मैं और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये चीज़ आपके वीडियो पर आप हमेशा यानी कि हर एक वीडियो पर अप्लाई कीजिए, उसके बाद दोस्तों आप रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए साइंटिस्ट ने कहता है कि एक इंसान की माइंड सिर्फ 8 सेकंड के बाद माइंड जो है चेंज हो जाता है, लेकिन दोस्तों यूट्यूब ने कहता है कि 30 सेकंड बाद एक इंसान की माइंड जो है चेंज हो जाता है। यानी कि दोस्तों एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये सोचना है कि वीडियो की फर्स्ट 30 सेकंड के अंदर क्या बात बोलना है, जिस बातों से आपकी जो ऑडियंस है ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट हो। जैसे कि दोस्तों मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ। जब आप फेसबुक ओपन करते हैं, फेसबुक ओपन करने के बाद हर एक बंदा ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं और अक्सर एक शॉर्ट फिल्म देखने को मिलता है, और जब आप ये शॉर्ट फिल्म वॉच करते हैं तो आपको लगता है कि ये पूरा फिल्म यहाँ पर क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्ट लगता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि जब आपकी वीडियो पर आप फर्स्ट 30 सेकंड के अंदर एक इंट्रो बनाना है, और इस इंट्रो देखने के बाद दोस्तों ऑडियंस को ये लगता है कि ये वीडियो पूरा देखना है। तो दोस्तों देखिए आप हर एक वीडियो पर ये इंट्रो जो है यानी कि फर्स्ट 30 सेकंड के अंदर क्या बोलना है दोस्तों, ये आपको बार बार ट्राई करना है, बार बार याद करना है कि आज फर्स्ट टाइम वीडियो पर क्या बोलना है, किस बातों से आपकी जो ऑडियंस है आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपको हर एक वीडियो में ध्यान देना है। सो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।